वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आज आप लोग को मैच देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल T20 वर्ल्ड कप का मैच है, जहां पे हम पिक करने वाले हैं तीन तीन ऐसे प्लेयर जो अपनी अपनी टीम से बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और जो टीम मैच जीतेगी उनमें इन तीन प्लेयर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें इंडिया टीम से, तो इंडिया टीम से मैं नंबर वन पे पिक करने वाला हूँ विराट कोहली को। जी हाँ, विराट कोहली इसलिए पिक होंगे क्योंकि बड़े मैच के प्लेयर हैं, मतलब आप लोग को खुद मालूम होना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, आप भले पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप रही है, लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल में अगर आपके रन आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से सब लोग भूल जाते हैं कि आपने पूरे टूर्नामेंट में क्या किया। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली इस मैच में रन बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि विराट कोहली बड़े बड़े टूर्नामेंट में पूरे मैचेस में फ्लॉप नजर आए। कोई एक इनिंग उनकी ऐसी आती है जो कि हर इंडियन फैन को याद रहेगी, तो जाहिर सी बात है फाइनल में वो इनिंग आती हुई नजर आ सकती है। और साउथ अफ्रीका के सामने मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली बहुत बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आएगा विराट कोहली के बल्ले से। नंबर टू पे मैं पिक करूंगा हार्दिक पांड्या को। जी हाँ, हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले इंडिया टीम से, जो बैटिंग से बॉलिंग से दोनों तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन करना जानते हैं। क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर में देखिए रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली होगा, ऋषभ पंत होगा, सूर्य कुमार यादव होगा, ये चार प्लेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिनिशर्स में आपके पास कोई नहीं है। मतलब देखा जाए हार्दिक पांड्या जैसा प्रॉपर फिनिशर तो आपकी टीम में है नहीं, रविंद्र जडेजा इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग करते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। और वो बखूबी वो काम कर भी लेते हैं, अच्छी खासी हिटें लगाना जानते हैं, फास्ट बॉलिंग से विकेट चटकाना जानते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर टू पे हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। और नंबर तीन पे मैं पिक करूंगा जसप्रीत बुमराह को, बूम बूम बुमराह को, क्योंकि उनके जैसा बॉलर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा, जो नई बॉल से मिडिल ओवर्स में डेथ ओवर में हर जगह विकेट चटकाना जानता है। तो मेरे हिसाब से ये तीन ऐसे प्लेयर होने वाले हैं जो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। अब बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की, तो साउथ अफ्रीका से मैं नंबर वन पे पिक करने वाला हूँ एडम माकरम को। जी हाँ, एडम माकरम इंडिया के सामने रन बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडम माकरम देखिए कैप्टन साउथ अफ्रीका की टीम के, और उनके बल्ले से भी रन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। नंबर टू पे मैं पिक करने वाला हूँ हेनरिक क्लासेन को। हेनरिक क्लासेन वही प्लेयर हैं जिन्होंने देखा जाए IPL में बहुत लंबी लंबी हिटें मारी हुई हैं, और हेनरिक क्लासेन स्पिन बहुत ज़्यादा अच्छी खेलते हैं। और आप लोगों ने इंडिया टीम में देखा होगा प्लेइंग 11 में आप लोगों को कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, तीन तीन स्पिनर देखने को मिलेंगे। इन तीन में से अगर कोई भी दो स्पिनर भी 8 ओवर बॉलिंग करेंगे और अगर हेनरिक क्लासेन सेट हो जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा पिटाई करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से हेनरिक क्लासेन को भी मैं पिक करूंगा नंबर टू पर। नंबर तीन पर मैं पिक करने वाला हूँ कडिसो रबाडा को। कडिसो रबाडा की बॉलिंग बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक रही है, इंडिया टीम के सामने हमेशा उनकी परफॉर्मेंस जरूर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। IPL में भले वो देखा जाए आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड क्रिकेट में आते हैं वहां पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अभी इसमें देखा जब मार्को जेंसन का भी मैं नाम डाल सकता था, लेकिन देखना पड़ेगा कि उनसे बॉलिंग कब कराते हैं एडम माकरम। लेकिन कडिसो रबाडा डेथ ओवर में और पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विकेटें ले सकते हैं इंडिया टीम की। तो मेरे हिसाब से ये तीन तीन प्लेयर होने वाले हैं जो अपनी टीम के लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस करेंगे। और लास्ट में मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मेरे हिसाब से ये मैच जीतेगी इंडियन क्रिकेट टीम। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन सी वो टीम रहेगी जो ये मैच जीतेगी, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो।